वीडियो में हम देखते हैं कि स्टील की इंस्पेक्शन किस लिहाज से करनी है। ठीक है, मैं साइड पे मौजूद हूँ। ठीक है, आकिब साहब ने स्टील फिक्स करवा चुके हैं और ज़ैफ़ा साहब। ठीक है, तो अभी इंस्पेक्शन करते हैं। मैं एज आ क्लाइंट के तौर पे साइड पे मौजूद हूँ। ठीक है, अभी इसकी इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, स्टील अगर मैं देखूँ ड्राइंग पे, अगर मैं देखूँ ड्राइंग पे बॉटम 12 का सरिया है 130 की स्पेसिंग पे। ठीक है, अगर टॉप का सरिया मैं देखूं तो 12 का ही है और 130 की। मैं अभी स्पेसिंग चेक करता हूं सबसे पहले। जब स्पेसिंग चेक करते हैं वो एक तो सरियों बस ऐसे ही आ गए इसको रहने। स्पेसिंग जब चेक करते हैं तो एक दो सरिये चेक नहीं करते, कम से कम 1 मीटर या 1.5 मीटर आप लोगों को फासला लेना पड़ता है, फिर उसको जो हमारी स्पेसिंग होती है उस पर डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है सर, ऐसे ही है? ठीक है सर। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं 1 मीटर ले रहा हूँ। 1 मीटर में कितनी कर रहे हैं भाई, कितनी आ रही हैं आप डिवाइड करो, कितनी आनी चाहिए? एक दो सर, 1 मीटर डिवाइड 130। एक मीटर यार नहीं लिखना होता इस पे कर गया मोबाइल 7, मतलब आपकी जो स्पेसिंग है वो ठीक है। उसके बाद हमने देखना है ये बेड कितने का है। ठीक है, जो हमारे पास बेड है वो है, वो दूसरी ड्राइंग पे, इसके ऊपर हम बेड भी देखते हैं किस लिहाज से। ये देखें, इसके बेड है 450 का, 450। अभी हम चेक करते हैं कि 450 का बेड इधर है या नहीं है। ठीक है, अगर हम कवर की बात करें, जो कंक्रीट कवर है, ठीक है, जो बॉटम ऑफ स्लैब है ये 75 mm और 50 mm। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। नीचे गट्टी कितने की रखी है? 50 की, और ऊपर 75 आएगा? 450। हम मोबाइल ऐसे ही रखें, आपने इंतरी चलना। अच्छा 450, ये 450 और 1 इंच कितना है? ये तो कवर आपके ऊपर बोल देना, ये तो होना ही नहीं चाहिए। सेम का हो जाएगा ना, 75 का आ रहा है, पूरा 75 का आ रहा है ना। हाँ, पूरा 75 का आ रहा है ना। कितना होना चाहिए नीचे? 50 को ऊपर 75, 30, 80। तो ना कवर के पास। अच्छा आ गया, चेयर के साथ चेक करें। ठीक है, आपका कवर सही है। अच्छा जी, इसके बाद हमने चेक करना है वॉल का स्टील। आ जाए वॉल पे, अच्छा जी, वॉल हमें बता रही है कि जो आपका आउटर होगा, ठीक है, उधर 12 110 ऐसे ही है, 12 110, और अंदर वाली साइड पे 12 130। अभी ये चेक कर लेते हैं। 1 मीटर के अंदर 1 2 3 4 5। इसमें स्पेसिंग कम क्यों रखी हुई है? ये कितने सरिया आ रहे हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8
वो सस्पेंसिंग सिलेंडर बनाई हुई है ना गुजरने के लिए। अच्छा जी, इसके बाद हमने चेक करना है इसका सम्प वगैरह नहीं है? नहीं सम्प नहीं, टॉप स्लैब पे, टॉप स्लैब पे मेन होल उधर तो है, टॉप स्लैब बॉटम में सम्प नहीं है। ठीक है, वाटर स्टॉप पर है उसको चेक कर लो। वाटर स्टॉप पर किधर दिया होगा? अच्छा, अगर वाटर स्टॉपर को देखें, वाटर स्टॉपर इस लिहाज से लगना चाहिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या है कि इस तरह साइड पे लगा है कि नहीं। ठीक है, ये आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमने सरिया लगाया हुआ है। ठीक है, इसको पकड़ने के लिए, ताकि ये जब कंक्रीट करेंगे ये बैंड ना हो जाए। ठीक है, तो इस लिहाज से ये तीन बबल वाला है। ठीक है, एक दो तीन, ड्राइंग के मुताबिक ये तीन बबल वाला हम वाटर स्टॉपर यूज़ करते हैं। वाटर स्टॉपर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जब हमने वॉल की कंक्रीट करनी है, ठीक है, वॉल का और बेड का जॉइंट को कवर करने के लिए हम इसका जो वाटर स्टॉपर लगाते हैं, क्योंकि पानी जब आएगा, पानी ये तीन बबल हैं। ठीक है, तो ये तीन बबल पानी अगर इधर आता भी है तो इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम वॉल की कंक्रीट करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने चेक करना है, इसके बाद चैम्फर की स्पेसिंग 10x130। ये स्पेसिंग ज़्यादा रखी हुई 10x130। इसकी इधर तो 10x130 पे ना सर, ये वाली ये और है, ये चैम्फर डिटेल्स है इसकी, इधर देखें 10x230 पे दी हुई इन्होंने, 10x230 पे देखें, इधर कॉर्नर डिटेल 10x230। ये कॉर्नर पे ऐसे आना है, ये स्लैब रिनीफ बना है, ये स्लैब रिनीफ कहा गया। ओके, ये कॉर्नर डिटेल है। ठीक है, स्लैब रिइंफोर्समेंट चलें। अगर मैं 230 के लिहाज से देखूँ तो ये सही है, 130 के लिहाज से नहीं। चलें ठीक है, देखते हैं, स्टेडी बंद करते हैं।